दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त द लिटिल गेमर, और मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कोई से भी TLW एडन्स में कैब मोड पा सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मैं नहीं बताऊंगा। इतनी भी जल्दी क्या है, तो सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ब्लूटूथ गेमपैड VR एंड टैबलेट। अगर आपके पास दो मोबाइल है तो और भी अच्छा होगा इस ऐप को चलाने के लिए। एक मोबाइल पे आपको डाउनलोड करना है, फिर दूसरे मोबाइल पे भी डाउनलोड करना है, और फिर दोनों मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। और जिस फ़ोन पे आपका ट्रेन जेट सिम्युलेटर चलता है उस पे आप डिस्प्लेइंग गेम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, और जिस फ़ोन से आपको आपके गेम का कैमरा एंगल सेट करना है उस पे गेमिंग कंट्रोलर पे सिलेक्ट कर लीजिए। सारी इनपुट मेथड्स को सिलेक्ट कर लीजिए और सब कुछ सेटअप कर लीजिए जैसे अभी मैं वीडियो में कर रहा हूँ। मैं अपने दोनों फ़ोन्स को ब्लूटूथ से पेयर कर रहा हूँ, और सेटअप इनपुट मेथड में ब्लूटूथ गेमपैड को सिलेक्ट करने के बाद रेडी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और अगर ये आपसे कोई भी परमिशन मांगे ओके पे सिलेक्ट कर देना है, और फिर आपके दूसरे मोबाइल में कनेक्ट टू गेमपैड डिवाइस वाला ऑप्शन आएगा उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और जो फ़ोन आपका ब्लूटूथ एड्रेस है उससे कनेक्ट कर लीजिए और तुरंत प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। 2 मिनट वक्त लगेगा होने में कनेक्ट, पर आपको इस एप्लीकेशन को बैक नहीं कर देना है, प्लीज़ इसे बैक मत कीजिएगा। और आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे जो बताते हैं कि config.txt करके एक चीज़ को इंटीरियर क्विड से वो करना होता है। अब अपन अपनी गेम को स्टार्ट करेंगे, और हमारी गेम स्टार्ट हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस कोई सा भी लोकोमोटिव या कोच जिसके ऊपर कैब व्यू आता है उस पर क्लिक कर देना है, और जिस भी लोकोमोटिव या कोच पर कैब व्यू आता है हम उसी से कैब व्यू कैब मोड का ऑन करेंगे। कैब मोड ऑन कर देने के बाद ये जॉयस्टिक को मूव करेंगे तो हम हमारे लोकोमोटिव के बाहर आ जाएंगे, और हमें हमारा कैब व्यू मिल जाएगा। धीरे धीरे होगा पर प्रॉपरली वे से हो जाएगा, हमें कुछ भी config.txt को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ये रूट को क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं गेमिंग एंड इन्फो वर्ल्ड को, क्योंकि ये रूट उन्हीं ने ही बनाया है। और जैसे ही आप अपने जॉयस्टिक को मूव करेंगे तो आप दूसरे जो TLW के लोकोमोटिव्स है उसके कैब व्यू में पहुंच जाएंगे, और आप अपना गेम प्ले और अपना गेम सारा इंजॉय कर सकते हो सारे TLW एडन्स डाउनलोड करके। तो आप अपना गेम प्ले देखते रहिए, और इस एप्लीकेशन की गूगल ड्राइव फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और ट्रेन जेट सिम्युलेटर की भी फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इंजॉय द व्हील स्लिपिंग एंड honking sound of WDM3A.